अभी कहाँ हुआ है, होने में तो अभी समय है। नहीं नहीं, केवल एक डब्बा उतारना शेष है, फिर हो गया। तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम ये सब कार्य करो, क्यों कर रही हो, क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? वो क्या है ना, आपने जो हमारे और इस घर की साफ सफाई के लिए दासियां रखी थी ना, वो आज छुट्टी पर है, इसलिए सारा काम हमें करना पड़ रहा है। देखो तो अम्मा, अपनी शारदा कितनी हास्यास्पद बातें करती है। शारदा तुम ऊंचाई पर चढ़ी हुई हो ना, इसलिए इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रही हो। आओ आओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुम ठीक हो ना? हमें क्या होगा? अच्छा, वो तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, वही जो कहना भूल गई थी। कल जो आपका पेट खराब हुआ था, जिसकी वजह से आप लोटा लेके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहे थे, वो हमारे कारण हुआ था। भूल से हमने आपको परसों का खाना खिला दिया था। ओ शारदा, शौचालय के चक्कर लगवाने के लिए मैं तुम्हें कब का क्षमा कर चुका हूँ। अब प्रश्नों के चक्कर मत लगवाओ, वो बताओ जो तुम मुझे बताना चाह रही थी। हाँ, परंतु हमें लज्जा आ रही है। अरे, अपने परिवार से क्या लज्जा? हाँ। बता बता। हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा, वो चार दिन पहले जो अम्मा आंगन से जा रही थी और ना अम्मा लाठी को संभाल पाई और ना लाठी अम्मा को, फिसल कर अम्मा लाठी पर गिर गई और लाठी अम्मा पर, वो भी हमारे ही कारण हुआ था। वो क्या है ना, हम बालों में तेल लगाते लगाते भावनाओं में बह गए और तेल गिरकर आंगन में बह गया। अम्मा, हमने तो आपसे पूछा भी नहीं, आप ठीक तो है ना? हाँ अम्मा ठीक है, और ये देखो अम्मा की लाठी भी ठीक है, मैंने निरीक्षण कर लिया है। अम्मा लाठी लेकर दो तीन बार गिर भी जाएंगी ना, तो भी लाठी को कुछ नहीं होगा, है ना अम्मा? तुम तो वो बताओ जो बताना चाह रही थी। सब कुछ तो बता दिया हमने शारदा। वो मन की बात बताने के बाद जो पेट हल्का होकर शांति मिलती है ना, उससे अच्छा आनंद तो और कोई है ही नहीं। और हाँ, और कुछ नहीं, रहने दो। अरे क्या कुछ नहीं रहने दीजिए, बताओ ना। आप ना रोज ऐसे ही कर दिया करो। क्या कर दिया करो? वही जो आपने आज किया, प्रतिदिन ऐसे ही हमसे सारी दबी कुचली बातें जो हमने पेट में दबा के रखी है ना, बाहर निकलवा लिया करो। इससे एक स्त्री को बहुत आराम मिलता है। शारदा, घर में कोई आने वाला था। हाँ। जो सब्जी लेकर आने वाला था वो यही खड़ा है। जाइए, जाकर सब्जी लेकर आइए, अन्यथा आज घर में सब्जी नहीं बनेगी। हम थैला लेकर आते। मुझे पता है, कोई भी स्त्री अधिक समय तक कोई भी बात अपने पेट में नहीं छिपा सकती। तुम कब तक चुप रहोगी? तुम यदि चुप भी रहोगी तो एक दिन तुम्हारा पेट सब कुछ कह देगा। बस इच्छा थी कि तुम ये बात अपने मुंह से कहो और मैं अपने कानों से सुनूं। कुछ क्या है? ये लो, मैं और गुंडप्पा बाजार जाके सारी सब्जियां ले आए। अब तो बता दो। याद आया। हाँ। वो हम आपको टमाटर लाने के लिए बोलना भूल गए। इसे टमाटर की पड़ी है, टमाटर तो छोटा सा होता है। किलो, ये बड़ा होता है, पकड़ो। पर टमाटर लाल होता है,
लाल हुआ तो क्या हुआ, लाल तो लाल। अम्मा लाल। शारदा वो माँ के लिए भी तो उसका कोई लाल होता है। तो ये बात आप अम्मा से कहिए ना, आप अम्मा के लाल हैं, हमारे तो पति देव है। अरे रुको रुको, ये नहीं। मुंडप्पे तू ये लेके जा, भारी है, संभाल के जाना। बड़ी अद्भुत विनती है आपकी पंडित रामकृष्ण जी। महाराज अब जैसी मेरी स्थिति है वैसी ही मेरी विनती है, मुझे 9 माह तक दरबार में थोड़ा विलंब से आने की आधिकारिक अनुमति मिल जाती तो बड़ी कृपा होती, उसके पश्चात मैं सदैव निर्धारित समय पर ही आऊंगा। जैसे प्रतिदिन आते हैं। महाराज अब क्या कहें पंडित रामकृष्णा की, अपनी गलत आदत को तो सुधारा नहीं अपितु दरबार के नियम भंग कर विलंब से आने की आधिकारिक स्वीकृति चाहते हैं। ये पंडित रामकृष्णा। वाह पंडित रामकृष्णा जी, ये जो है ये विजयनगर का प्रतिष्ठित दरबार है, मामा का घर नहीं है कि जब मन आया मुंह उठाकर चले आए, मुंह उठाकर निकल गए। परंतु गुरुवर मैं तो बस अभी तो आप ऐसी विनती कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि दरबार में वहां एक घंटी लगा दीजिए, जब आप उसे बजाएंगे तब हम सब दरबार में आएंगे, और जिस दिन आपकी इच्छा नहीं होगी आप घंटी नहीं बजाएंगे हम सब दरबार में उपस्थित नहीं होंगे और राज कार्य ठप हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण आलस की रजाई में लिपटे हुए मनुष्य, इसी आलस के कारण आप इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि ऐसी विनती पर उतर आए। गुरुवर पहले सुन तो लीजिए पंडित रामकृष्ण कहना क्या चाहते हैं, ऐसी विनती कर क्यों रहे हैं। सुनाइए पंडित। अब मैं आपको क्या बताऊं महाराज, जब तक अम्मा प्रातः उठकर मुझे लाठी से मार ना ले, शारदा घर के थोड़े बहुत काम बिगाड़ ना ले, तब तक उन्हें चैन नहीं आता ना, और अब तो ऐसी अवस्था में और भी समय लगेगा। किस अवस्था की बात कर रहे हैं आप। मेरी पत्नी शारदा की। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण, शारदा देवी ठीक तो है। हाँ हाँ मंत्रीवर वो ठीक है, परंतु अब उसे थोड़ा अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये है पंडित रामकृष्णा का असली चेहरा, जैसा पत्नी कहती है वैसे ही तुम लाता है। गर्भवती पत्नी ने 9 माह का समय मांगा तो यहाँ दरबार में आकर 9 माह के लिए बोल दिया। तो जी आप समझे नहीं, पंडित रामकृष्णा ने 9 माह वाली बात कह के हवा में सिक्का उछाला है। सिक्का है? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इसके पीछे रामकृष्णा का कोई प्रपंच ही है। अब पंडित रामकृष्णा हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये 9 माह का जो समय आपने मांगा है ये ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए मांगा है। निजी कार्य के लिए 9 माह कैसे ले सकते हैं आप, दरबार का प्रयास कर रहे हैं आप। ना ना गुरुवर कदापि नहीं महाराज, 9 माह की विनती इसलिए क्योंकि इतना समय तो लगेगा। पंडित रामकृष्ण आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ सरल शब्दों में समझाइए, क्या कहना चाहते हैं आप। क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण आप, ये हैं क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, क्या ये हैं? उसने करना चाहते हैं 9 माह तक आप, 9 माह क्या होगा 9 माह बाद, तो बच्चा आने वाला है क्या। हाँ हाँ गुरुवर आपने बिल्कुल सही पहचाना, 9 माह पश्चात मेरे घर के आंगन में एक नन्हा सा अतिथि आने वाला है, मेरी गर्भवती पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या हुआ, सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, मैं क्या संसार का पहला व्यक्ति हूं जो पिता बनने वाला है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत समाचार सुनाया आपने हम सभी को।
पंडित रामकृष्ण जीवन की सभी अनुभूतियों में से एक पिता बनने की जो अनुभूति होती है सबसे निराली होती है। इस हर्ष की घड़ी में हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आपको और आपकी धर्मपत्नी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्ण, हमारी ओर से भी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मंत्रीवर। बधाई हो पंडित रामकृष्ण जी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, हमारी शुभकामनाएं भी ले लो। धन्यवाद गुरुवर। पहला अच्छा कार्य किया है आपने, अब ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। हैं? हमारा तात्पर्य अधिक बच्चे पैदा करने से नहीं है। अभी तू एक एक करके अपनी सभी कमियां दूर कर लीजिए ताकि आप राज्य के कुछ काम आ सके हमारी तरह। जी गुरुवर, क्यों नहीं, उचित है। और संयोग तो देखिए, हमने कल ही घोषणा की थी कि पंडित रामकृष्ण जब भी पिता बनेंगे तो उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी की गोद भराए हम बड़ी धूमधाम से यहाँ अपने राजमहल में करेंगे। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। तो ये तेरा आज से 5 दिवस उपरांत यही इस राज दरबार में बड़ी धूमधाम से शारदा देवी की गोद भराई होगी और हम स्वयं आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सब यहाँ पर उपस्थित रहे पंडित रामकृष्ण और शारदा देवी को आशीर्वाद देने हेतु। अवश्य हम तो आशीर्वाद देंगे पंडित रामा कृष्णा। मणि, ये गुरुजी क्या गिनती कर रहे हैं? ये वो कर रहे हैं जो इन्हें आता है। परंतु क्या? 2 और 2 5, 1 और 1 11 करना। चुप रहो मूर्खो, कितनी बार कहा है जब हम विचार मगन हो तो विघ्न उत्पन्न मत किया करो। हम कुछ सोचने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ गुरु जी, जीवन में कभी कभी सोचने का पुण्य कार्य भी कर ही लेना चाहिए। गुरु जी बुला रहे हैं। आओ आओ, गुरु जी बुला रहे हैं। एक दिन में कैसे हो गया? एक दिन में पंडित रामकृष्ण ने कैसे कर दिया है? अब कल ही तो महाराज ने दरबार में गोद भराई की घोषणा की और आज पंडित रामकृष्ण बाप बनने वाला है। गुरुजी, एक दिन में कोई बाप तो नहीं बन सकता है, किंतु एक दिन में ये जरूर सोचा जा सकता है कि महाराज ने जो घोषणाएं की है उसका लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण का वंश बाद में बढ़ेगा, परंतु पुरस्कार अभी से बढ़ रहे हैं उसकी तरफ गुरुजी। हाँ, अर्थात पुरस्कार पाने के लिए पंडित रामकृष्ण किसी भी सीमा तक जा सकता है। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण अपनी सीमाएं स्वयं तय करता है। जी आप तो बस ये सोचो कि वो संतान कितनी महान होगी जो संसार में आने से पूर्व ही राजमहल में सम्मानित हो रही है। सोचिए गुरुजी, समझिए। आप क्यों सोचेंगे और क्यों समझेंगे, कभी बाप बने होते तो समझते ना। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपके जीवन में नया दुश्मन ला रहा है। हाँ, उसने तो आपके जीवन में वैसे ही दुर्गति मचा रखी है। सोचिए, जब पंडित रामकृष्ण उसका पुत्र साथ होंगे तो आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन, आपका भविष्य मुझे अंधकारमय दिख रहा है गुरुजी। हाँ। अच्छा। हाँ। हम क्या कर सकते? बाप, बाप बनना होगा गुरुजी आपको। बाप, आपका पुत्र ही आपकी शक्ति बनेगा गुरुजी। गुरुजी बहुत हो गया ये वार्तालाप, अब शुरू कीजिए प्रेमालाप और गाइए प्रेम का अखंड आलाप। सही कहा मेरे शिष्य, सही कहा। तुम्हारे इस परामर्श के पीछे हमें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। सौदामिनी, तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। घड़ी मिलन भगवान,
जी क्या कर रहे? अरे अब तो छोड़िए सुदामिनी देवी के घर का, रुक। गुरु माता की तरफ कीजिए अपना मुख, वहीं मिलेगा आपको संतान सुख, फिर कटेंगे आपके सारे दुख। वरुण माला, वरुण माला, वरुण माला। अरे जिसका चेहरा देख के हमारा विलाप निकलता है, उसके साथ हम अखंड प्रेम का आलाप कैसे करेंगे? गुरुजी, गुरुजी, जहाँ चाह होती है वहीं राह मिलती है। अरे जब चाह नहीं होगी तो राह कैसे मिलेगी? गुरुजी थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, कीजिए प्रयास। हाँ करेंगे, प्रयास करेंगे, अवश्य करेंगे, हमें करना होगा, प्रयास करेंगे। हटो, हट जाओ, हट जाओ। वरुण माला, हम आ रहे हैं। माँ, खिलौने? वो भी इतने सारे? उठा लो, उठा लो। अम्मा तो उठाकर घर तक ले ही आई हैं। अब इनके साथ खेलने वाला भी जल्दी आ जाएगा। आपसे नहीं, गुंडप्पा से कह रहे। गुंडप्पा घंटी छोड़ और खिलौने उठा ले। गुंडप्पा के लिए नहीं है तो किसके लिए है? उसी के लिए जिसके लिए तुम ये ऊनी वस्त्र बुन रही हो। ये तो हम अपनी सहेली वरलक्ष्मी के लिए बुन रहे हैं। नटखट, यदि तुम ये वरलक्ष्मी के लिए बुन रही हो तो ये खिलौने मेरे हैं, मैं इनसे खेलूंगा। रामा तू इतना बड़ा हो गया फिर भी तू इन खिलौनों से खेलेगा? मैं इतना तोता हूँ फिर भी कोई मेरे पहलवान नहीं खेलता। गुंडप्पे, खिलौनों से खेलने के लिए एक मित्र के साथ की आवश्यकता होती है। मैं तेरा मित्र हूँ ना। चुप कर। शारदा, वैसे आवश्यक तो नहीं है किंतु तुम सामने हो इसलिए पूछ रहा हूँ। जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उनका नाम क्या रखेंगे? जिसका कोई आकार ही नहीं उसके बारे में विचार करके क्या लाभ? जब होगा तब देखेंगे। अभी से सोच के रखने में क्या जाता है, बच्चे तो होने ही वाले हैं। इसलिए मैंने तो पहले ही सोच लिया है, यदि पुत्र हुआ तो उसका नाम अर्जुन और यदि पुत्री हुई तो उसका नाम सीता रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन नहीं। अरे अर्जुन को तो अपने परिवार से ही युद्ध लड़ना पड़ा था और सीता मैया को तो भगवान राम से विरह मिली थी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। नहीं नहीं नहीं, अगर पुत्र होगा तो हम उसका नाम भविष्य रखेंगे और अगर पुत्री होगी तो अम्मा का जो नाम है हम वही रख देंगे। नहीं 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 नहीं, भविष्य का आता पता तो कुछ होता नहीं है और मुझे एक ही घर में दो दो अम्मा नहीं चाहिए, मैं सहन कर सकता। अरे नाम में क्या रखा है, नाम तो केवल पुकारने के लिए होता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। बड़े और अच्छे नाम वाले भी तुच्छ काम करते हुए पाए जाते हैं, तभी तो कहते हैं नाम बड़े और टेंशन छोटे। अपवाद तो संसार में हर जगह होते हैं और ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा नाम ही हमारी पहचान की प्रथम पुष्टि होता है। अरे आप लोगों के व्यर्थ के वाद विवाद में हमारा बुनना ही नहीं होगा। अम्मा, मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं बताती। पता है महाराज ने गोद भराई का कार्यक्रम राजमहल में रखा है। हाँ, तब तो बताना ही पड़ेगा ना। रामा, शारदा भी बड़ा खेल रही है, ना तो तेरे झांसे में आ रही है और ना ही कुछ बता रही है। यही तो आनंद है बंधु दाम्पत्य जीवन का, आप अपने साथी के साथ रात दिन रह सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और खेल भी सकते हैं।